मेरा नाम महेश है और मैं एक दुकान चलाता हूँ। सीधा साधा व्यक्ति हूँ और मुझे मोबाइल काम चलाना आता है। मेरे पड़ोस में एक मकान है जिसमें एक भाभी रहने आती है जिनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पति गांव में रहते हैं। वह मुझसे ही सामान लिया करती थी और वह मुझसे मजाक भी किया करते थे। उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, फिर हम दोनों व्हाट्सएप पर बात करने लगे। वह अपने बच्चों को स्कूल भेज कर बात करती थी और मैं कभी कभी सामान देने उनके घर चले जाया करता था। फिर एक भाभी ने मुझसे कहा, आप बहुत अच्छे लगते हो, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी बातें करते हो। फिर हमारी दिन रात बातें होने लगी। फिर एक दिन मैंने उनसे पूछा, आपके पति यहाँ नहीं रहते, आपको बुरा नहीं लगता? तो भाभी ने कहा, आप उनकी बात मत करो। फिर हम दोनों में प्यार हो गया और जब भी उनके बच्चे स्कूल चले जाते थे तब मैं उनके रूम में चले जाया करता था। मकान मालिक ऊपर रहते थे और नीचे भाभी रहती थी और मेरी दुकान से लगा हुआ ही उनका मकान था, तो आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। भाभी का जब भी मन हुआ करता था वह मुझे बुला लिया करती थी और मैं जब दुकान बंद कर देता था तब भाभी अपने बच्चों को अपनी बहन के यहाँ भेज दिया करती थी और फिर हम रात में मिलते थे। फिर एक दिन पता चला कि भाभी किसी और से भी प्यार करती थी। उसको मेरे बारे में पता चला कि भाभी का चक्कर मेरे से भी चल रहा है। फिर उसने भाभी से कहा, तुम्हारा चक्कर उससे भी चल रहा है, बगल वाले से। और फिर हम दोनों की तकरार हो गई। दो साल तक हमारा प्यार खूब रहा और मैंने भाभी के घर वालों की भी खूब मदद की। उनके पिताजी जब भी आते मैं उनकी मदद करता और मैं उनके घर भी जाया करता था। फिर एक दिन वह मकान बदल लिया और दूसरी जगह चली गई। फिर हमारा मिलना काम हो गया और सिर्फ व्हाट्सएप पर और फोन पर ही बात होने लगी। मुझे उसकी बहुत याद आने लगी और आज वह गुना से दूर है, पर बात हमारी आज भी होती है। उसके आप कुछ भी प्रोग्राम होता है वह मुझे बुलाती है।